दोस्तों, अगर आपने नई नई ड्राइविंग सीखी है या आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड हैं नए नए, या फिर आप नई नई चमचमाती हुई गाड़ी घर लेकर के आए हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि इस बोनट के नीचे क्या होता है, क्या कुछ पार्ट्स हैं इसके नीचे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बोनट के नीचे क्या है। इसी बोनट के नीचे असली महंगाई छिपी हुई है। बोनट के नीचे जो इंजन होता है सभी को पता होता है, उसके भी सब पार्ट्स हैं कहाँ पर क्या है। अगर आप इन चीज़ों को जान जाओगे तो आप गाड़ी में होने वाली छोटी मोटी दिक्कतों को वैसे ही सॉल्व कर लोगे। छोटी छोटी चीज़ों में आपको मैकेनिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इट्स सुमित कुमार में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार के बोनट के नीचे क्या होता है। तो सबसे पहले तो बिना देरी किए इस बोनट को खोलने में जो माथा फोड़ी होती है उसी के बारे में मैं आपको बता दूं। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि भाई इस बोनट को खोले कैसे। तो आपकी ड्राइवर सीट के साइड में अगर आप देखें तो राइट में आपको कुछ इस तरीके का स्विच देखने को मिलता है, इसे खींचना होता है। कई बार यहाँ पर लीवर होता है, ये कुछ अलग डिज़ाइन का होता है। डिज़ाइन बदल सकता है लेकिन चीज़ नहीं बदल सकती। ये बोनट को खोलने का लीवर है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा स्पेस नज़र आ रहा होगा, ये बोनट हमारा ओपन हो चुका है। लेकिन पुरानी गाड़ियों में होता ये था कि जब इस तरीके का बोनट कई बार गलती से अगर खुल जाता था और गाड़ी सामने वाले ड्राइवर ने अगर चला दी तो हवा इसके अंदर लगी और ये भाई है तो लोहा शीट है, ये उठ के अपने विंडशील्ड पर आ जाती थी और कई जो विंडशील्ड हैं वो वीर गति को प्राप्त हुई हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर एक लॉक और होता है गाड़ी में। कई बार उसे ऊपर करना पड़ता है, साइड में करना पड़ता है, नीचे करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, वो आप अपने ऑनर्स मैनुअल में देखें। लेकिन यहाँ पर अगर आप नज़र मारें अंदर की तरफ तो यहाँ पर एक लॉक और होता है। इसे डिसंगेज करने के बाद आपका जो बोनट है, इसे ही बोला जाता है अमूमन नॉर्मल भाषा में, इसे ही बोनट बोला जाता है। काफ़ी हैवी चीज़ है ये, अब फ्री है। इसे आप यहाँ से अपनी स्टिक निकालें और यहाँ पर जहाँ भी आपकी गाड़ी में दिया हुआ है उसको इंगेज करने का, वहाँ पे उसे रख दें। और उसके बाद आपके सामने जो कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट होता है, अब बड़ा मशीनरी सा लगता है, बड़ा रोबोटिक सा लगता है। लेकिन अगर इसे सिंपलिसिटी से अगर समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा समय दीजिए, आप लास्ट तक बिल्कुल इससे फेमिलियर होने वाले हैं। ये गाड़ी एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। जैसा कि आपको पता होगा, ज़्यादातर कार्स जो है हैचबैक सेगमेंट की फ्रंट व्हील ड्राइव ही रहती हैं। इस वाली गाड़ी में जो इंजन की पोजीशन है कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये लगा हुआ है। लेकिन अगर सेम यही गाड़ी अगर रियल व्हील ड्राइव होती तो इस जो इंजन की पोजीशन है वो वर्टिकली होती कुछ। अगर आप देख सक रहे हैं, यहाँ से इंजन है और इंजन यहाँ पे आपका क्लच है, पीछे की तरफ आपका गियर बॉक्स है और फिर वहाँ से जो आगे के टायर्स हैं उनमें पावर गई हुई है फ्लाई व्हील के द्वारा। यही सिस्टम थोड़ा सा वर्टिकली में हो जाता है, बाकी कोई और ज़्यादा गैप नहीं होता। जो गाड़ी रियल व्हील ड्राइव होती है उनमें जो ये वाला गैप है थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। लेकिन गाड़ियों में आजकल फीचर इतने ज़्यादा आने लगे हैं, सब कवर हो जाता है, बिल्कुल कोई जगह बचने का सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर वेरियंट अगर आप लो कर रहे हैं तो वो बात अलग है। ये तो नॉर्मल इंजन की प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली चीज़ इंजन के बाद जो गाड़ी की जान है वो है गाड़ी की बैटरी। बैटरी को आप समझ ले, बैटरी में हमेशा दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है असल में यही एक काम की चीज़ है, बाकी नेगेटिव भी काम की चीज़ है। लेकिन इससे इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आपकी बॉडी से कहीं टच हो गया स्पार्क कर सकता है। इसे काफ़ी अच्छे से कवर करके रखा जाता है, देख सकते हैं आप। और इन चीज़ों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश ना करें अनलेस आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हुई हो। बाकी यदि आप इसे निकालना चाहते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर आप इसे खोलेंगे, यहाँ पर आपके नट दिखे हुए हैं, इन्हें ओपन करेंगे और यहाँ से एक नट ओपन करेंगे और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दो नट और खोलने पड़ेंगे और ये आपकी बैटरी बाहर आ जाएगी, फिर इसे आप चार्ज करवा लें। और बैटरी में कुछ इस तरीके का हैंडल भी दिया हुआ होता है जिससे कि आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये गाड़ी की बैटरी है। उसके जस्ट पीछे यहाँ पर दिया गया है गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स। इस गाड़ी में दो फ्यूज़ बॉक्स दिए गए हैं, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर। लेकिन जो मेन
स्विचेस हैं जो फ्यूज़ हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। इसमें कुछ ये जो क्लिप हैं इन्हें अगर आप ऐसे दबाएंगे तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर ये सारे फ्यूज़ दिए हैं, एक भी फ्यूज़ अगर आप डिसइंगेज करते हैं या एक भी इन्हें जो रिले बोला जाता है एक भी रिले डिसइंगेज करते हैं तो आपकी गाड़ी में बहुत सारे फंक्शन काम करना बंद कर देंगे। कहाँ से क्या फंक्शन है तो ये सारी डिटेल में लिखा हुआ है, हर गाड़ी में अलग अलग रहता है। सो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से देख लें, यहाँ पर हम इतनी डिटेल में उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी रिसेंटली ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक हफ्ते पहले ही गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और गाड़ी दूसरी बैटरी से भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, प्रोबेबली कुछ इसमें लफड़ा था। सो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में शो हो रही होगी, अब जाके देखें क्या मैटर था, मैंने कैसे इस फ्यूज़ बॉक्स की हेल्प से गाड़ी को स्टार्ट करी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है वो वाला वीडियो। बाकी अगली चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है गाड़ी का कूलेंट। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, ये वाला कैप आप लोगों के लिए खोलना जब गाड़ी चल कर के आई हो। अगर गाड़ी चल कर के आई हो और इंस्टेंटली आप इसे खोल देते हैं और ये आपकी कहीं चमड़ी पे अगर लग गया ना तो ये आपकी चमड़ी को जला भी सकता है। सो गाड़ी अगर चल के आई हो तो आप इसे ना खोलें, ना इसे टॉप अप करने की कोशिश करें, ना कुछ। अब ये इतना ज़्यादा गर्म रहता है क्योंकि ये पूरे इंजन में से फ्लो होकर के आया हुआ होता है, वापस से इसकी जो फ्लो है रेगुलर चलती रहती है। सो इंजन की सारी गर्मी को ये सोख लेता है और इंजन को ठंडा करने का काम करता है, और जो आपका हीटर रहता है वो भी इसी की गर्मी से आपको गर्म हवा देता है। तो आप सोच सकते हैं कितना गर्म रहता है ये वाला फ्लूड। सो ये गाड़ी का कूलेंट होता है, केवल इसी में नहीं रहता है, ये गाड़ी का कूलेंट इंजन के अंदर भी भरा हुआ रहता है और यहाँ पर आपको इसमें कूलेंट लेवल देखने को भी मिल जाता है। आप चाहें तो उसको देख के जब गाड़ी रुकी हुई हो, कूलेंट ठंडा हो, तो आप इसे टॉप अप कर सकते हैं। बाकी अगली चीज़ आपको अगर देखने को यहाँ पर जो काम की है वो है कि आप इंजन ऑयल अगर टॉप अप करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये दिया गया है कैप। आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सीधे आपको इंजन ऑयल टॉप अप करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अंदर काफ़ी ज़्यादा मस्त मशीनरी सी देखने को मिल रही है और ये चेन वगैरह है। अब इंजन के अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, इंजन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फ़र्क है, चाहे तो आप उसे भी आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। बाकी और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कि अगर आप गाड़ी के इंजन के अंदर ऑयल का लेवल यदि चेक करना चाहते हैं तो आपको हर इंजन में एक इस तरीके की स्टिक देखने को मिल जाती है और इसमें आप देख सकते हैं अगर आपकी गाड़ी स्टेबल खड़ी है थोड़ी देर से तो आपको आराम से ये ऑयल का लेवल बता देगा। बाकी यहाँ पर जो ये देखने को मिल रहा है आपको ये वाली कैप में आपको ब्रेक फ्लूड देखने को मिल जाता है ऑयल। जब आप ब्रेक को लगाते हैं तो इस ऑयल, ये जो ऑयल है ये सब दूर सप्लाई होता है और जो ब्रेक शू हैं उन्हें कंप्रेस करता है जिससे कि आपकी ब्रेकिंग इफ़ेक्टिव होती है। सो ये आपकी ब्रेकिंग का ब्रेक ऑयल है। बाकी यहाँ पर आप अगर देखें इस तरफ, सो ये विंडशील्ड वॉशर है। जहाँ तक मुझे याद है एक बार बोलेरो में बैठा था, बारिश का समय था और ड्राइवर ने विंडशील्ड पे पानी मारा। सो मुझे लगा कि भाई गाड़ी के ऊपर कोई टंकी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। गाड़ी के अंदर की तरफ एक इस तरीके की आपकी जो बड़ी वाली कोका कोला की बोतल होती है ना, वैसी ही एक बोतल सी है, वहाँ से जो मोटर है ये जो पाइप दिख रही है इनके जरिए आपके विंडशील्ड पे स्प्रे करती है। सो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी अगली चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये जो आपको चार वायर्स जाती हुई दिख रही हैं ये ABS चैनल्स हैं और ये चारों टायर्स में गई हुई हैं। और ABS कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपके टायर्स को पैनिक ब्रेकिंग में लॉक करने से बचाता है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो आफ्टर मार्केट आप नहीं लगवा सकते, तो इसको सेफ़ रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप गाड़ी को वॉश करें तो इसे थोड़ा सा ढांक लें, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है तो पैसे बचाना भी ज़रूरी है। बाकी अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो वो ये जो आपको बड़ा सा पानी की मोटर सा दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये है गाड़ी का अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर क्या काम करता है, ये जो आपको ये जो बेल्ट दिख रही है ये वाली, इस वाली बेल्ट के साथ इंजन से कनेक्टेड रहता है और ये गाड़ी की बैटरी को प्लस गाड़ी के जो पावर इक्विपमेंट्स हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं जब गाड़ी चलती है तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को प्रोबेबली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ये इसका काम हो गया
एक मतलब काफ़ी ज़्यादा साइंस की भाषा में मैंने बता दिया, लेकिन वो बिजली बनाता है एक तरीके से, जनरेटर है वो छोटा सा आपकी गाड़ी के अंदर। बाकी अगर नीचे की तरफ आप देखें तो टाइमिंग बेल्ट से ही आपका एसी का कंप्रेशर, यहाँ से एसी का जो क्लच है, इंगेज और डिसइंगेज होता है जब आप एसी का बटन ऑन करते हैं, तो वो कुछ यहाँ पे है। अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ पर ये एसी का कंप्रेशर दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर ये जो टैंक सा दिख रहा है, यहाँ पर एसी की गैस भरी हुई होती है। अब कौन सी गैस लगती है उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा इंडिकेशन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें आराम से कौन सी गैस डलती है। मेरे को तो नाम लेने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, R134A ये वाली गैस डलती है। सो बाकी ये मैंने आपको बता दिया सारी बोनेट के नीचे के पार्ट्स के बारे में। अब यूज़फुल सबसे ज़्यादा जो है वो है इंजन ऑयल को टॉप अप करना, बैटरी की हेल्थ चेक करना, फ्यूजेस को देखना। फ्यूजेस को देखने के लिए उसके पीछे इंडिकेट जो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उन्हें देखें, और उनसे रिलेटेड नीचे आपको स्विच मिलेंगे। बाकी नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको ये जो फ़ैन देखने को मिल रहा है, ये रेडिएटर फ़ैन है। तो ये ठंडी हवा जो है, जो कूलेंट है गर्म होके आया हुआ, वो रेडिएटर में जाता है और इस पंखे से मस्त ठंडी ठंडी हवा लेके ठंडा होता है, फिर इंजन में जाता है। सो इस तरीके से कुछ कूलिंग सिस्टम काम करता है। बाकी ये जो एक रॉड यहाँ पर दिख रही है, अगर आप थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर ये जो रॉड आपको दिख रही है, ये क्लच की रॉड है, और ये प्रेस होती है कुछ इस तरीके से, तो अंदर इंजन के क्लच इंगेज होता है, और इसे छोड़ दें तो क्लच डिसइंगेज हो जाता है। बाकी जो बैटरी यहाँ पर आपको जो सफ़ेद दिख रहा होगा, ये बैटरी के वाटर का जो है वो मार्क्स हैं, तो बैटरी के अंदर पानी भरा रहता है, टॉप अप करते समय थोड़ा सा गिर गया, ये लीक नहीं हो रहा है। सो इस चीज़ से थोड़ा सा बचें, अब मुझे इसे साफ़ करना होगा। वीडियो बनाने के बहाने मैंने इसे देख लिया और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। सो गाइज़, मैंने आप लोगों को बोनेट के नीचे के लगभग सारे पार्ट्स जितने इम्पोर्टेंट थे, सारे तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं और अंदर, और ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आपको पूरा एक कोर्स करना पड़ जाएगा। सो आपको मैकेनिक अगर बनना है तो आप कोर्स कर सकते हैं, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कुछ, जैसे कि गाड़ी ओवरहीट हो गई तो कूलेंट का रोल है, अगर कोई फ्यूज़ उड़ गया तो यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स का रोल है, बैटरी डाउन हो गई तो आप बैटरी के टर्मिनल वगैरह चेक कर सकते हैं, ऑयल लेवल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ बेसिक चीज़ें आप बोनेट के नीचे से कर सकते हैं। बाकी अगर बोनेट को बंद करना है तो अपनी वापस से जो रोड थी है इसे इसकी जगह पर लगाएं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है क्योंकि ये टाटा का है, सुजुकी का होता तो नहीं होता, इसे आप अच्छी तरीके से पटकें, कुछ नहीं होगा और प्रॉपरली यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। बाकी इतना ही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं। बाकी चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे पॉपअप शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा। इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।